हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूँ जिसके लिए इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कम लगेंगे, लेकिन आप उसको बहुत दिनों तक स्टोर करके यूज कर सकते हैं, लंच या डिनर के बाद एंजॉय कर सकते हैं। हूँ तिल की बर्फी। इसके लिए मैंने लिया है 600 ग्राम तिल। अगर आप इस कप से मेजरमेंट करते हैं तो आपको लगेगा 4.25 कप तिल, वेट से 600 ग्राम और कप से 4.25 कप। और साथ ही मैंने लिया है शुगर। शुगर हम जितनी भी तिली लेंगे उससे जस्ट हाफ लेंगे बाय वेट। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम तिल लिया था, तो 300 ग्राम हमने लिया है अपना शुगर। और अगर हम कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप है। और साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप पीनट्स। पीनट्स आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, सिर्फ क्रंचीनेस लाने के लिए हमको ये चाहिए है। और साथ ही मैंने लिया है मावा, जिसको मैंने घर पर ही मलाई से बनाया था। मलाई से खोवा कैसे बनाया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले मुझे चाहिए तिली। मैं आज बनाने वाली हूँ तिल की बर्फी। इसके लिए मैंने लिया है 600 ग्राम तिल। अगर आप इस कप से मेजरमेंट करते हैं तो आपको लगेगा 4.25 कप तिल, वेट से 600 ग्राम और कप से 4.25 कप। और साथ ही मैंने लिया है शुगर। शुगर हम जितनी भी तिली लेंगे उससे जस्ट हाफ लेंगे बाय वेट। तो इसके लिए मैंने 600 ग्राम तिल लिया था, तो 300 ग्राम हमने लिया है अपना शुगर। और अगर हम कप से मेजर करेंगे तो ये 1.5 कप है। और साथ ही में मैंने लिया है 1/2 कप पीनट्स। पीनट्स आप अपने हिसाब से कम ज्यादा ले सकते हैं, सिर्फ क्रंचीनेस लाने के लिए हमको ये चाहिए है। और साथ ही मैंने लिया है मावा, जिसको मैंने घर पर ही मलाई से बनाया था। मलाई से खोवा कैसे बनाया जाता है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बर्फी बनाने के लिए हम सबसे पहले तिली को रोस्ट करेंगे बिना घी या तेल डाले हुए। इसको हम मीडियम और लो फ्लेम पर रोस्ट करेंगे और पिंक होने तक रोस्ट करेंगे। देखिए, अभी आप ऐसे प्रेस करके देखिए तो हमारी तिली मैश नहीं हो रही है इजीली। इट मीन्स ये कच्ची है और हम इसको पिंक होने के बाद ऐसे ही मैश करके देखेंगे। जब ये एकदम से टूटने लगे तो समझ जाइए आपकी तिली रोस्ट हो गई है। देखिए, तिली से एक आवाज आ रही है चट चट करके। जब ये आवाज आना बंद हो जाएगी इट मीन्स आपका तिल पूरी तरीके से रोस्ट हो गया है। तिल से चट चट की आवाज आना बंद हो गई है। और साथ ही में देखिए, हाथ में मैश करके देखिए, पूरा मैश हो रहा है। इट मीन्स हमारा तिल भुन गया। अब हम इसको एक प्लेट में ठंडा होने के निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हम अपने पीनट भी रोस्ट कर लेंगे। इनका कवर बीच से फटने तक हम इनको रोस्ट करेंगे स्लो आंच पर। पीनट्स भी हमारी रोस्ट हो गई हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए और उसके बाद उसका कवर उतार देंगे। तिल हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको मिक्सर में एकदम बारीक ग्राइंड कर लेंगे और पीनट्स को हम ग्राइंड नहीं करेंगे, सिर्फ इसको 2 हाफ में डिवाइड करेंगे इस तरीके से, जिससे क्रंच हमारा अच्छा आएगा। चाशनी बनाने के लिए हम कढ़ाई में अपनी शुगर लेंगे 300 ग्राम और 1/2 कप के आसपास लेंगे उसमें पानी, और इससे एक मोटे एकदम मोटे तार वाली चाशनी बनाएंगे। देखिए, ये कढ़ाई में अगल बगल शुगर चिपकने लगी है और साथ ही में देखिए एकदम मोटा तार बनके तैयार है। अब हम इस स्टेज पर देखिए एकदम मोटा तार बन रहा है ना, बस इस स्टेज पर कढ़ाई हम कर देंगे बंद, गैस को बिल्कुल कर देंगे बंद। इसमें डाल देंगे हम अपना बहुत ही जल्दी जल्दी सारा सामान। इसमें मैंने 200 ग्राम खोया डाला है। अगर आपके पास खोया नहीं है तो मिल्क पाउडर भी आप यूज कर सकते हैं। और साथ ही में डाल देंगे अपने पीनट्स और तिली, पिसी हुई तिली, और जल्दी से इनको मिक्स करके, आपको इसको बहुत ही जल्दी मिक्स करना पड़ेगा नहीं तो ये कढ़ाई में ही जम जाएगा। इसलिए हम इसको जल्दी से मिक्स करके एक घी लगी हुई थाली में जमा देंगे, साथ ही एल्यूमिनियम फॉइल में भी जमाएंगे। एल्यूमिनियम फॉइल में जमाने के एक फायदा होता है कि आपकी जो बर्फी है वो बड़ी ही आसानी से निकल जाती है। बंद कर दो। इसको इस तरीके से अच्छे से हाथों से दबाते हुए इसको जमाना है ताकि बिल्कुल भी इसमें सिलवट
ना रहे, दोनों ही प्लेट्स में हम ऐसे जमा देंगे और फिर इसमें हम अपने अकॉर्डिंग पीसेस कर लेंगे डायमंड या स्क्वायर शेप में, इसको हमको कट कर लेना है और एक घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है, जब तक ये पूरी तरीके से ठंडी ना हो जाए। ये देखिए हमारी बर्फी जमकर एकदम तैयार है, ठंडी हो गई है। इसको देखिए कितने आराम से ये निकल भी रही है, एक एक पीस बिल्कुल आराम से निकल रहा है बिना बिल्कुल चिपके हुए। और दूसरी प्लेट में देखिए आपको इसमें फॉइल लगाई हुई है ना, इसको तो आप कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही पेपर उठाइए और हाथ में बर्फी आ जाती है। देखिए दोनों बर्फियां कितनी बढ़िया बन के तैयार हुई है, एकदम यम्मी टेस्टी, बिल्कुल बनाकर देखिए एक बार जरूर। एंजॉय इट।